दोस्तों, एक जमाना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो भी था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को प्रोडक्शन के तहत फिल्में बना रही थी, जिनकी शूटिंग श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड वगैरह में होती थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब उर्दू फिल्मों के मारूफ फिल्म साज और हदायतकार फिल्में बना रहे थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जब अपने को प्रोडक्शन दौर से गुजर रही थी तो फिल्मों में बहुत सारे फनकार जो थे वो दूसरे मुल्कों की फिल्म इंडस्ट्री से भी इंपोर्ट किए गए थे। उन्हीं में से एक नाम है नाजा सांची का। जब तू चर्च में फादर के सामने दुल्हन बनकर खड़ी होगी। स्टॉप! कितनी बार कहा है नाखून मत काटा करें, अब काटेंगे? बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। तुर्कश अदाकारा नाजा सांची 22 जून 1958 को तुर्की में बहीराए अस्वद के करीब वाकिया शहर सुमसम में पैदा हुई हैं। उन्होंने हाई स्कूल तक तालीम जो है अपने आबाई शहर सुमसम से ही हासिल की। हाई स्कूल की तालीम से फारिग होने के बाद उन्होंने आला तालीम के लिए इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उन्होंने लसानियात और अदब में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसके अलावा आपने अमेरिका के लॉस एंजलिस एक्टिंग स्कूल से बकायदा एक्टिंग की भी तालीम हासिल की हुई है। अदाकारा नाजा सांची ने तुर्की की 30 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग के जौहर दिखाए हैं। आपने तुर्की की फिल्मों में तो काम किया ही, उसके साथ साथ आपने तुर्की के कई निजी टीवी चैनल्स के ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी की थी। जितनी भी फिल्में बनी उनको दूसरी जुबानों यानी कि बांग्लादेशी, श्रीलंकन वगैरह में भी डब किया गया और वहां नुमाइश के लिए पेश किया गया। को प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म बिंगकाक के चोर, जिसके हीरो जावेद शेख थे और नाजा सांची हीरोइन थी, ये फिल्म भी अपने दौर की बहुत मकबूल फिल्म थी। इस फिल्म का शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल फिल्मों में होता है। दोस्तों, अभी बात करते हैं नाजा सांची की उन फिल्मों की जिनमें उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम किया। उनके नाम कुछ इस तरह हैं। हलचल, इस फिल्म में आपके हीरो थे नदीम। फिल्म शहनशाह, इस फिल्म में आपके वालिद का किरदार सुल्तान रही ने किया था जबकि आपके हीरो थे इस्माइल। फिल्म है बदला, इस फिल्म में आपके साथ थे नदीम और को स्टार थे नेपाल के अदाकार शेवा। फिल्म जंजीर, इस फिल्म के हीरो थे जावेद शेख और इसके अलावा कास्ट में शामिल थे लेजेंड मोहम्मद अली मरहूम, मुमताज और नाजा सांची। हलचल, हलचल फिल्म का शुमार माजी की सुपरहिट फिल्मों में होता है। इस फिल्म में आप जावेद शेख के मद्दे मुकाबल नजर आई थी। नाजा सांची 1978 से लेकर 1981 तक तुर्की की मिस टेलीविजन एंड सिनेमा भी रही हैं। इसके अलावा नाजा सांची इटली में मुनक्कद होने वाले डोना आइडिया इंटरनेशनल टैलेंट मुकाबला की फातिहा भी रह चुकी हैं। नाजा सांची ने फिलीपीन में होने वाले मिस एशिया के मुकाबले में भी हिस्सा लिया था और आप दूसरे नंबर पर आई थी। फिल्म और ड्रामा एक्टिंग के अलावा नाजा सांची ने 1982 से लेकर 1996 तक कई एक प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज भी किया जिनमें मिस यूरोप मॉडलिंग मुकाबला और मिस ग्लोबल इंटरनेशनल सरफरिस्त थे। 1986 में आपने मिस ब्यूटी फ्रांस मुकाबला में बतौर जज शिरकत की थी। दोस्तों, मॉडलिंग और अदाकारी के अलावा नाजा सांची ने गुलकारी में भी अपनी किस्मत आजमाई। गायकी के साथ साथ आपने गानों की शायरी भी की। नाजा सांची जब अपने शोबिज के अरूज पर थी तो उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और उन्हें एहसास हुआ कि उनका असल जज्बा लिखने में है और वो कहानियां और नावल लिखने से लुत्फ अंदोज होती हैं। उन्होंने बच्चों और बड़ों दोनों के लिए किताबें, नावल वगैरह लिखे हैं। दोस्तों, नाजा सांची आजकल अमरीका में सेटल हैं और वहां पर ही रहती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।